पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी और 5 दिनों तक पूछताछ करेगी। ईडी ने 7 दिनों की रिमांड अवधि बढ़ाने की मांग की थी न्यायालय से, जिसे 5 दिनों की मोहर लगी। 5 दिनों तक अब ईडी के अधिकारी जो हैं और उनसे पूछताछ करेगी, और उनकी जो दिन और रात दोनों जो कटेगी वो ईडी कार्यालय में ही कटेगी। अगर बात की जाए बहस की, तो अंदर में उन्होंने अपने जो ईडी कार्यालय में जो बहस हो रही थी उसमें भी उन्होंने अपने दर्द को बयां किया कि जो ईडी कार्यालय में उनको रहने में काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। तो ऐसे में 7 दिनों की जो अवधि है वो मांगी गई थी ईडी के तरफ से, ईडी के अधिकारियों के तरफ से, लेकिन जो रिमांड अवधि है वो 5 दिनों की मिली है। हमारे जो जेएमएम के कार्यकर्ता हैं वो भी पहुंचे हुए थे। जो 5 दिनों तक ईडी के जो अधिकारी हैं अब वो उनसे पूछताछ करेंगे। जी बिल्कुल, ये तो माननीय न्यायालय का हम लोग सम्मान करते हैं, और जैसे उन लोगों ने दिया है आवेदन उसी के आधार पर उनको 5 दिन रिमांड पर दिया गया है, तो हम लोग बहुत ही दुखी हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री को जो हमारे हैं हरदिल अजीज, और उसी के समर्थन में हम लोग आज यहाँ पर आए हुए हैं, और हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि भाई जल्द से जल्द हमारे मुखिया को कोर्ट और ईडी से निजात दिलाए। गठबंधन का नेता लोग साफ देखते कहने की साजिशन है। आप देखेंगे इन्होंने हेमंत सोरेन ने विधानसभा में कहा कि अगर ये जमीन के मामले में जिस तरह से ईडी ने उनको गिरफ्तार किया, अपदस्थ किया और जमीन के उसी में गड़बड़ है, आवाज़ मैंने जैसा समझ में आ रहा कि उन्होंने और कुछ जोड़ के बोला कि 5 दिन का रिमांड चाहिए, तो जमीन का सिविल मैटर है, ईडी को अगर इतनी जानकारी तो सिविल का मैटर के मामलों का ट्रांसफ़र पोस्टिंग कहाँ से आ जाता है। तो कहीं ना कहीं ये प्लानिंग वे में मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के लिए हेमंत सोरेन जी को ये ईडी नई नई साजिशें करती जा रही है। और चूँकि आप देखिए कोई भी व्यक्ति पर अगर आप केस चला सकते हैं तो जितना भी आपके पास केस है एक साथ उसको प्रोड्यूस करना चाहिए कि ये केस है। प्रतिदिन एक नया तरीके से उनको फंसाने की साजिश कहीं ना कहीं लगता है चुनावी साल है, परेशानी ही बढ़ा रहे हैं, क्योंकि कोई दस्तावेज इनके द्वारा ईडी के द्वारा उनके खिलाफ जो जमीन का मामला है, हेमंत जी उस दिन सदन से खुले तौर पर ये चैलेंज के साथ बोले कि अगर जिस जमीन के मामले में हमको गिरफ्त किया गया है अगर उस जमीन का दस्तावेज मेरे नाम पर है तो सदन में पटके हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे, यहाँ तक कि बोले कि हम झारखंड छोड़ देंगे। तो इनके पास तो कोई दस्तावेज नहीं है, एक षड्यंत्र के तहत पूर्व मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी को फंसाया गया है और परेशान किया जा रहा है। तो जेएमएम के कार्यकर्ता भी ईडी कोर्ट पहुंचे थे, जहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नारे भी लगाते दिखे। हालांकि अब 5 दिनों तक जो है ईडी के अधिकारी उनसे फिर से पूछताछ करेगी। सहयोगी मुर्शिद के साथ चित्रंजन कुमार, TV45 रांची।